हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीटीएच सेटेलाइट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों अपने एमपीजी 4 रिसीवर को ऑटो स्कैन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप लोग मिनटों में किसी भी सेटेलाइट को मतलब ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो आज में हम डीडी फ्री डिश का जो चैनल है उसको हम स्कैन करके दिखाएंगे आपको लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मेनू बटन कर देना है प्रेस। जैसे ही आप मेनू बटन करेंगे प्रेस तो आपके सामने कुछ यहाँ पे इंटरफेस ऐसा देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको इंस्टॉलेशन में आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेटेलाइट लिस्ट पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप सेटेलाइट लिस्ट पे ओके करेंगे तो आपको कोई सा भी यहाँ पे क्यू बैंड का सेटेलाइट ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सेटेलाइट आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो आपको कोई सा भी एक क्यू बैंड का सेटेलाइट ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे दोस्तों कोई सा भी क्यू बैंड का सेटेलाइट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो फाइनली हम देख सकते हैं क्यू बैंड का ये सेटेलाइट है, और यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कोई सा भी एक सेटेलाइट। तो चलिए हम ये वाला सेटेलाइट को 45 डिग्री ईस्ट, दोस्तों ये क्यू बैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये सी बैंड है और यहाँ पे ये क्यू बैंड है। यहाँ पे क्यू बैंड 76 डिग्री ईस्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नीचे एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको आपको वो वाला बटन आपके जो कि रिमोट, यहाँ देख सकते हैं ये रिमोट में ये वाला बटन को दबा देना है। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ब्लाइंड मोड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ब्लाइंड मोड है, एफ टी ओनली को यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ देर आपको इंतज़ार करना होगा, देख सकते हैं कुछ देर आपको इंतज़ार कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट से इंतज़ार कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट आपको इंतज़ार करना है, ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली ये दोस्तों ऑटो स्कैन ब्लाइंड चालू हो चुका है। आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। आप इसको देखिए और समझ जाइए कैसे आप लोग मिनटों में किसी भी सेटेलाइट को आप यहाँ पर ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑटो स्कैन चालू कर दिया, और यहाँ पे 2 चैनल हमको देखने को अभी तक मिल रहा है। सभी चैनल आ जाएंगे धीरे धीरे करके, जब तक ये 100% होगा तब आपका सभी चैनल आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते रहिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लाइंड स्कैन मोड चालू हो चुका है, और यहाँ पे स्कैन हमारा जो कि चालू हो चुका है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ऑफ कीजिए, ऐसे ही ऐसे ही डिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको यहाँ पे 47% दिखने को मिल रहा है, ऑटो स्कैन में जो प्रोग्रेस है वो 47% चला गया है, 52% हो गया है। बहुत ही आसानी से आप लोग किसी भी सेटेलाइट को स्कैन कर सकते हैं एमपीजी 4 रिसीवर में, और 2 रिसीवर में भी ऑटो स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे 31 चैनल हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सभी चैनल आ रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है धीरे धीरे, देख सकते हैं 51 चैनल हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 70 चैनल हो गया, 108 चैनल देख सकते हैं, 128 चैनल और 145 चैनल, 168 चैनल, 185 चैनल। दोस्तों एमपीजी 2 रिसीवर में आपको 156 चैनल देखने को मिलता है, लेकिन एमपीजी 4 रिसीवर में 145 चैनल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ओके बटन कर देते हैं प्रेस, और यहाँ पे सेव हो गया है, देख सकते हैं। अब आपको बैंक आना है, और यहाँ पे आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं ये चलने लग गया, देख सकते हैं सभी चैनल यहाँ पे चलने लग गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सोन का जो कि चैनल है ये चल रहा है, और यहाँ पे जो भी चैनल लगा देंगे वो चैनल चलने लग जाएगा, देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपके सामने हम यहाँ पे
चलाकर दिखा रहे हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं आई लव पेन, ये दोस्तों नया चैनल है क्योंकि ये MPG2 रिसीवर में नहीं मिलता है और MPG4 रिसीवर में ये मिल रहा है। देख सकते हैं ये भी एक नया चैनल है दोस्तों, ये दोस्तों MPG2 रिसीवर में नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ गया होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।